मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इम्फैटिक एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव ये भी होता है, तो एक वर्ड होता है इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है दबाव देना। क्या होता है? दबाव देना। याद करिए, इम्फैटिक प्रोनाउन आपको पढ़ाया गया था, उसी जिस तरह से इम्फैटिक प्रोनाउन होता है उसी तरह से इम्फैटिक एडजेक्टिव होता है। तो इम्फेसिस का मतलब होता है दबाव देना। इम्फेसिस, ठीक है ना, इसका मतलब होता है दबाव देना, इसी से बना है इम्फैटिक। ठीक, तो ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग हम लोग फोर्स करने के लिए, दबाव करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग इम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। आज का वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो इम्फैटिक एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग हम लोग इम्फेसिस करने के लिए, दबाव प्रकट करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग इम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, देखिए, एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू इम्फेसिस आवर फीलिंग अबाउट समथिंग आर समवन। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग इम्फेसिस करने के लिए, दबाव के लिए किया जाता है, और किस चीज़ के ऊपर दबाव? आवर फीलिंग, हमारी भावना के ऊपर। अबाउट समथिंग आर समवन मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक, हम किसी भी चीज़ को लेकर के हमारी भावनाओं के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ही हम लोग इम्फैटिक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, और ऐसे ही एडजेक्टिव को हम लोग इम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग दबाव प्रकट करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग इम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब इम्फैटिक एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओन, वेरी, एब्सोल्यूट, सेम, यही सब इम्फैटिक एडजेक्टिव हैं। ठीक है ना, अब ये इम्फैटिक एडजेक्टिव कब होगा? ऐसे देखिए, तो जैसे मान लीजिए लिख देते हैं आई रन वेरी फास्ट। ठीक, ये वेरी देखिए एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक, और मैं इम्फैटिक एडजेक्टिव का एग्जांपल क्या बताया? वेरी, मतलब वेरी एडजेक्टिव भी है और वेरी एडवर्ब भी है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होइए, आगे से क्लियर होती चले जाएंगे। तो ये आपका इम्फैटिक एडजेक्टिव का एग्जांपल है। ओन, वेरी, एब्सोल्यूट, सेम, ये सब आपका क्या है? इम्फैटिक एडजेक्टिव। कब? अब देखिए, वेरी एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब भी है, तो जब ये एडवर्ब का कंडीशन पूरा करेगा, ठीक, एडवर्ब की शर्त पूरा करेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, और यही वेरी जब एडजेक्टिव का शर्त पूरा करेगा तो यही एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अब जैसे लिखा है आईसा द थीफ, आईसा द थीफ विथ माई ओन आईज। ठीक है ना, ये लिखा है कि मैंने चोर को खुद अपनी आँखों से देखा। ठीक है ना, खुद अपनी आँखों से देखा। इसमें देखिए एक शब्द है ओन। ठीक, तो ओन के बारे में जान लीजिए कि ओन कभी भी, ओन के साथ हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि ओन के साथ हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव का वीडियो पड़ा है, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिए, पूरा डिटेल समझाया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिए कि ओन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। ठीक, अगर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है तो फिर वहाँ ओन का यूज नहीं हो पाएगा। अब पजेसिव एडजेक्टिव में देखिए, मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि जैसे माई, आवर, योर, हर, हिज, ठीक, देयर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ओन हमेशा इनके साथ लगेगा, इनमें से कोई एक वर्ड जरूर होना चाहिए। अगर इनमें से ये नहीं है तो फिर ओन नहीं लगेगा। ठीक, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसमें यस जोड़ दीजिए, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ ओन नहीं लगता है। किसके साथ लगेगा? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। पजेसिव एडजेक्टिव देयर, हिज, हर, योर, आवर, आई। ठीक, तो ओन की एक खासियत है कि ओन सेंटेंस में कभी अकेले यूज नहीं होगा, उसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। और एक चीज़ और कि बात यह है कि मान लीजिए सेंटेंस में ओन आ गया,
ठीक, ओन का यूज किसके साथ करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। अब बात यह है कि ओन पहले लिखा जाएगा कि पहले पजेसिव एडजेक्टिव, तो याद रखिए कि हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव पहले आएगा और उसके बाद ओन आता है। मतलब ओन का यूज हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव के बाद करते हैं, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। यहाँ ओन पजेसिव के पहले लिखा है, ये गलत है। तो सीधा सीधा कि ओन के, ओन का यूज पजेसिव एडजेक्टिव के साथ होगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है तो फिर ओन का यूज नहीं हो पाएगा। और ओन कहाँ लिखा जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, ठीक है ना। ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो इन्हीं के बाद ओन आएगा, इनके बाद आएगा, इधर नहीं आ सकता, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए लिखा है आई सॉ द थीफ विथ माई ओन आई, मैंने अपनी आँखों से चोर को देखा। तो मान लीजिए कि कोई चोर है, चोरी कर रहा था, ठीक है, वो चोरी करके भाग रहा था, आपने देख लिया। तो अब आप बता रहे हैं सबको कि मैंने चोर को देखा, मैंने चोर को देखा। हम अगर ऐसे कर रहे हैं, आई सॉ द थीफ विथ माई आईज, इसका मतलब हो गया कि मैंने चोर को देखा। ठीक, जब आप ऐसे कर रहे हैं कि आई सॉ द थीफ विथ माई आईज, मैंने अपनी आंखों से चोर को देखा, लोग विश्वास ही नहीं मान रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन अब आप विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है चोर को। अब ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझे, मान लीजिए कोई लड़का ऐसा हो, ठीक है, जो बहुत ईमानदार हो, ठीक, बहुत ईमानदार हो, और वो किसी दिन चोरी करे और आप देख लें और आप लोगों को बताएं कि मैंने देखा कि क्या नाम है मोहन, मान लीजिए उस लड़के का नाम मोहन है, कि मैंने मोहन को चोरी करते हुए आँखों से देखा, अपनी आँखों से देखा। अब उसकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, लोग विश्वास ही नहीं मान रहे हैं, ठीक। और आपको विश्वास दिलाना है कि अरे भाई मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा, तो वहाँ जो हम शब्द जोड़ते हैं खुद, ठीक, मैंने अपनी आंखों से देखा, तब भी हमारी आंख देख रही है, अब मैंने खुद अपनी आंख से देखा, इसमें भी अपना हमारी ही आंख है। बस अंतर खुद का यूज हम लोग सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मैं इनकी उनकी सुनी हुई बातों पर नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आँख से देखा है। आए समझ में ना। तो देखिए जो चीज़ ये लिखा है वही सेम चीज़ ये भी लिखा है, जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका है, बस अंतर इसमें किसका है, इस ओन का है। ओन का यूज हम लोग किस, अगर इस तरह से हम कर ओन हटा देते हैं तो यही होगा। तो ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, बिना प्रेशर बिना दबाव के हम अपनी बात कह रहे हैं, ठीक। लोग विश्वास नहीं मान रहे हैं तो दबाव देने के लिए हमने ओन शब्द लगा दिया, ठीक है ना। अब यही हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है, अब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा ऊन आ गया, यही हमारा इम्फेटिक एडजेक्टिव है, ठीक। तो क्या बताएं कि ऊन कहाँ आना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आया है, ठीक। अगर हम इस माई को हटा लें और ऐसे लिख दें कि आई सॉ द थीफ ऑन आईज, ये रॉन्ग है, क्योंकि ओन कभी अकेले नहीं आएगा, इसके साथ क्या चाहिए, पजेसिव चाहिए, ठीक है। अब पजेसिव ओन के बाद नहीं, ओन के पहले चाहिए, ठीक है ना। बात आया समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका हिंदी हुआ कि मैंने अपनी आंखों से चोर को देखा, इसका भी हिंदी वही हुआ मैंने अपनी आंखों से चोर को देखा। बस अंतर यह है कि जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो ये नॉर्मल है, हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, विश्वास दिलाने के लिए हमने ओन शब्द जोड़ दिया, तो ओन क्या कर रहा है, दबाव दे रहा है, बस इतना ही काम है इसका। तो ये हमारा इम्फैटिक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। फिर देखिए लिखा दिस इज द वेरी ड्रेस, दिस इज द वेरी, देखिए दिस इज द वेरी ड्रेस आई वॉन्टेड। अब यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ये वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक, ये वेरी क्या है, नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ चलिए देखिए ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पर आ जाइए, इस वेरी की बात करिए यहाँ, ठीक। अब यहाँ ये लिखा आई रैन वेरी फास्ट, इस रैन वेरी का मतलब होगा बहुत, क्या होगा, बहुत। और यहाँ पे लिखा है दिस इज द वेरी ड्रेस, इस वेरी का इस वेरी का मतलब होगा वही, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला है वेरी है वो एडवर्ब है, और ये वाला वेरी
एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव होगा? इम्फैटिक। अब क्या कह रहा है, दिस इज द वेरी ड्रेस आई वांटेड, ठीक, ये तो वही ड्रेस है जो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ऐसे सोचिए कि आप किसी कपड़े की दुकान में गए, वहाँ कपड़े ढूंढ रहे हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा, देख लिया, ठीक है, नहीं पसंद आया, ठीक, कोई एक चीज़ क्या नाम है आपके दिमाग में पहले से ड्रेस बैठा हुआ है, वो ड्रेस नहीं मिल रही है, एक दुकान देखे, दो दुकान देखे, नहीं मिला, ठीक, फिर किसी दिन जाइए और अचानक जो ड्रेस आप अपने दिमाग में फिट किए हुए हैं अचानक वो आपको दिख जाए, तब आपके मुँह से निकला, रही ये तो वही ड्रेस है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, 4 दिन से ढूंढ रहे, देखो यहाँ पड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वही ड्रेस है, वही मतलब जाना पहचाना है, ठीक है ना, और उसी को हम लोग वही के अंग्रेजी के लिए वेरी का प्रयोग करें। तो वेरी इस ड्रेस के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो ये वेरी एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इस ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, ड्रेस क्या है, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, और काम प्रेशर का कर रहा है इसलिए इम्फैटिक हो गया, ठीक है ना। तो ये वेरी इम्फैटिक एडजेक्टिव है, ठीक। उसी तरह से देखिए, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ठीक है ना, बिल्कुल एब्सोल्यूट, दिस इज नॉनसेंस मतलब ये सब फालतू हैं, बदतमीजी है, इसमें कुछ बात नहीं है, ठीक है, हम लगाते दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस मतलब ये बिल्कुल बदतमीजी है, बिल्कुल निरर्थक है, तो हम दिस इज नॉनसेंस ये बदतमीजी है, ठीक है, निरर्थक है, ये बिना प्रेशर की बात हो गई। जब हम एब्सोल्यूट डालते हैं कि दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस मतलब बिल्कुल बदतमीजी है, बिल्कुल बकवास है, निरर्थक है, तो बिल्कुल क्या कर रहा है, इस नॉनसेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना, नॉनसेंस को क्वालिफाई कर रहा है, और काम क्या कर रहा है, इम्फैटिक का, ठीक है, प्रेशर डाल रहा है, इसलिए ये हमारा इम्फैटिक एडजेक्टिव है, ओके। तो इम्फैटिक एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एडजेक्टिव है वो किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, इम्फेसिस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वही एडजेक्टिव इम्फैटिक एडजेक्टिव बन जाता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला तो फिर आइए मैं आपको देखिए बता देता हूँ, ठीक है ना। लिखा है दिस आई सा द थीफ विथ ओन माई आई, ओन का यूज किसके साथ होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, ठीक है ना, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव पहले आना चाहिए और ओन हमारा बाद में आना चाहिए, ये इसमें रॉन्ग है, माई इधर रहेगा, ओन इधर रहेगा, दिस इज ओन माई बिजनेस, सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब दिस इज माई बिजनेस, इसका मतलब ये मेरा बिजनेस है, और दिस इज ओन माई बिजनेस, ये मेरा खुद का बिजनेस है, ये मेरे पापा का नहीं है, मेरे भाई का नहीं, ये मेरा खुद का बिजनेस है, हम सामने वाले को, अब जैसे हमारा बिजनेस है वो देखेगा तो यही सोचेगा कि इनके पिताजी का होगा, ये बैठ रहे हैं तो ये अपना कह रहे हैं, लेकिन मैं सामने वाले को कह रहा कि नहीं, ये मेरा खुद का है, मतलब इसका पिताजी से लेना देना नहीं है, भाई का लेना देना नहीं, ये मेरा खुद का है, ठीक है ना। तो खुद हम लोग क्यों यूज करें, सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए, तो ये इम्फैटिक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब इम्फैटिक एडजेक्टिव के साथ क्या आना चाहिए, पजेसिव, वो भी दिया है, लेकिन गलत क्या है, पजेसिव पहले होना चाहिए, इम्फैटिक बाद में, ठीक। दिस इज ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, अब ओन लिख दिया, इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, नहीं दिया है, ये रॉन्ग हो गया। अब ये सही कैसे होगा, कोई पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव बाद में नहीं पहले जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया पजेसिव एडजेक्टिव, सही हो गया। माई भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, हाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पजेसिव पहले होना चाहिए, ओन बाद में, तो हिज भी सही है, हर भी सही है, देयर भी सही है, आवर भी सही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, प्रेस करिए, ठीक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही धमाकेदार नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस, थैंक यू।